बिहार में ये दोनों भाई जी लोग हैं जो 35 साल से चला रहे हैं और अब चचा भतीजा जो हो गए हैं, ये इनकी नाकामी है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों ने आपके हमारे मन में ऐसा बैठा दिया है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता। बिहार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है बिहार के। नीतीश कुमार समझदार हैं, लेकिन वो सबसे समझदार हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में बहुत समझदार लोग हो सकते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइड्स। बिहार की राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जनसुराज यात्रा पर हैं। इसी को लेकर वो अरेराज पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नीतीश कुमार और जो चाचा भतीजा जो सरकार चला रहे हैं, वो हमारे और आपके मन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने हमारे मन में ऐसा बैठा दिया है कि इससे बेहतर बिहार तो बन ही नहीं सकता है। आप प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में ये दोनों भाई जी लोग हैं जो 35 साल से चला रहे हैं और अब चचा भतीजा जो हो गए हैं, ये इनकी नाकामी है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों ने आपके हमारे मन में ऐसा बैठा दिया है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है बिहार के। नीतीश कुमार समझदार हैं, लेकिन वो सबसे समझदार हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में बहुत समझदार लोग हो सकते हैं, बहुत लोगों के पास उनसे बेहतर सोच हो सकती है। ये समय है कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उन लोगों को उस जगह पर बैठाए, ताकि इससे बेहतर प्रयास किया जा सके। वरना बिहार इसी आप और हम, हमारी उम्र तो आधी हम लोग की बीत गई, हम सबकी उम्र 35, 40, 45, 50 हो गई, आधी उम्र तो निकल गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कम से कम एक बेहतर बिहार बने, उनको देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में का नागरिक बन के न जीना पड़े, तो आपको हमको मिलकर बेहतर प्रयास करना होगा। और अगर ये काम केरल में हुआ है, गुजरात में हुआ है, पंजाब में हुआ है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? बिहार में भी हो सकता है। मेरा ये दृढ़ संकल्प है, मेरा विश्वास है कि इसको किया जा सकता है, इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, जिन्होंने साफ साफ कहा है ऐसा हमारे मन में बैठा दिया गया है कि इससे बेहतर बिहार हो ही नहीं सकता है। ये सरासर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बनाया गया है और ये जो सरकार चल रही है वो लोगों के मन से खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अरेराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में जो दोनों भाई 35 साल से सरकार चला रहे हैं और जो लोग चाचा भतीजा हो गए हैं, ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे और आपके मन में ऐसा बैठा दिया है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता है। अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर बिहार बने, उसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि तभी बेहतर बिहार बन सकता है और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो आज के युवा हैं, उनके लिए एक बेहतर बिहार बनाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपा रही है और ऐसा लगता है कि जो उनसे बेहतर बिहार बनाया ही नहीं जा सकता है, ऐसा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव सोचते हैं। तो आप इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।